नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज मैं जो आपके सामने क्लास लेके आया हूं, ये क्लास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ था, किन चरणों में हम कंप्यूटर को देखते हैं, एक टेलीस्टिक से लेकर आज का जो सुपर कंप्यूटर है वो किस प्रकार से बना, ये सब हम एक शॉर्ट हिस्ट्री में समझेंगे। ये जो आपके सामने फाइल है ये एक वर्ड फाइल है, ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट आपको शेयर कर देता, लेकिन मैं इसको थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से किसी थ्योरी में से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो आप उस थ्योरी में से ही निकलते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी साथ साथ में अपने देखते चलेंगे ताकि आपको याद भी रहे। उसके बाद जब ये क्लास पूरी हो जाए तो आप इसे मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको अपने अपने कंप्यूटर या फिर जो भी मोबाइल है उसमें आप इसमें सेव करके आप इसको टाइम टाइम पे आप इसे रीड करते रहना ताकि आपको पूरी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो आपको याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ये है हमारी टेलीस्टिक्स। टेलीस्टिक्स सबसे एंशियंट मतलब सबसे पुरानी डिवाइस मानी जाती है कैलकुलेट अपने किसी भी चीज़ को, ये लिख रखा है रिकॉर्ड करने की। टेलीस्टिक वाज एन एंशियंट मेमोरी एंड एड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स क्वांटिटीज और इवन मैसेजेज। सबसे पुरानी यही डिवाइस थी जो किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती थी। ये देखो यहाँ पर तो ये जो दिखाई दे रही है जो इमेज है इसमें शायद ये वुडन है, लेकिन सबसे पहले जब ये यूज हुई थी तो हड्डी से यूज हुआ था, मतलब ये जानवरों की हड्डियों जो बोन्स होती थी उनसे टेलीस्टिक बनती थी। तो सबसे पहले जो डिवाइस थी वो टेलीस्टिक थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे टेलीस्टिक किस प्रकार की डिवाइस थी। तो टेलीस्टिक एक कैलकुलेशन डिवाइस थी जो सबसे पहले एंशियंट डिवाइस मेमोरी के लिए यूज होती थी। उसके बाद में जब हमें अक्सर नॉर्मल पता होता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला गणना करने वाला यंत्र वो है कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी, अबेकस। तो अबेकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस। तो ये देखो ये जो लाइन है इसको आप बोल्ड कर लेना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं अबेकस किस प्रकार की डिवाइस है। तो अब एन अबेकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज टू एड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरी करने के लिए सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था, अबेकस। अबेकस कब हुआ था, अबेकस इन्वेंट हुआ था बेबीलोना में 2400 BC में। लेकिन बेसिकली हम जो यूज करते हैं, जो हमने बचपन में भी देखा होगा, एक स्लेट के अंदर कुछ वायर होते हैं और उस वायर के अंदर कुछ मोती प्रयोग होते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम जो हमने यूज किया था वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में चाइना में फर्स्ट टाइम हुआ था। चाइना में वो यूज हुआ था करीबन 500 BC में। तो इतने साल उस पर केवल प्रोसेस ही होता रहा, फर्स्ट टाइम ये चाइना में इतने अच्छे लेवल पर यूज हुआ था और ये क्या कर सकता, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता था। इसके बाद इन्होंने एक बता दिया, ये देखो ये अर्लियर अबेकस इस प्रकार से था और हम जो आज जो यूज करते हैं वो इस प्रकार से है, तो इन दोनों में ये फ़र्क भी है। जब पहली डिवाइस अबेकस ख़त्म हो गई तो उसके बाद में अगला जो 1614 में डायरेक्ट बहुत साल बाद में जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नाम की मशीन बनाई थी। तो ये भी बस आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको ये देखना है कौन सी मशीन कब बनी थी, किसने बनाई थी, उसका क्या काम था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि नेपियर बोन्स किसने बनाई थी, जॉन नेपियर ने, कब बनाई थी, 1614 में, और ये क्या कर सकती थी, ये डिवाइस कर सकती थी मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ये बेसिकली इसके काम थे। फिर बात आती है अगली इसके बाद जो डिवाइस थी वो थी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल अब इसमें भी वही क्वेश्चन बनता है, स्लाइड रूल किसने बनाया, विलियम ऑगट ने बनाया था 1622 में, 1622 में। किस पे डिपेंड थी ये, नेपियर का आइडिया था लॉगरिथम्स, नेपियर जो ऊपर डिवाइस थी इसने लॉगरिथम का एक आइडिया दिया था, उसी पर ये स्लाइड रूल बेस्ड थी। अब इसके प्राइमरी काम क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट्स लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ऐड हो गया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो स्लाइड रूल में यूज होती थी, नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि इस डिवाइस के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, बाकी सब थी, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकती थी, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। तब आए हमारे पास्कल एंड ब्लेज पास्कल, इन ब्लेज पास्कल ने इसकी लिमिटेशन को दूर किया और ये डिवाइस क्या कर सकती थी, एडिशन भी कर सकती थी और सब्सट्रैक्शन भी कर सकती थी। तो आप इनको इस प्रकार से याद करिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्लेज पास्कल जो है वो कौन थे, तो ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिक्स थे जिन्होंने 1642 में, आप सन याद रखना, 1642 में ब्लेज पास्कल ने क्या बनाई थी, पास्कलाइन। पास्कलाइन इनकी डिवाइस का नाम है, उसका नाम है पास्कलाइन। क्वेश्चन पूछा जाता है पास्कलाइन किसने बनाई थी, तो क्या आंसर होगा अपना, ब्लेज पास्कल ने। दूसरा पास्कल कैलकुलेटर, ये जो लिखा हुआ नाम पास्कल कैलकुलेटर ये दूसरा नाम है इसका, इस नाम से आता है तो भी आंसर क्या होगा, ब्लेज पास्कल।
आगे चलते हैं। इसके बाद में आया है स्टेप रेकनोर या फिर स्टेप्ड रेकनोर, दोनों नाम किसी भी नाम से जाना जाता है। ये वो डिवाइस है जो आप स्टेप रेकनोर नाम से फेमस है। ये क्या क्या था, ये गॉटफ्रिड ने 1672 में बनाई थी। ब्लेज पास्कल जी की जो डिवाइस थी उसी को थोड़ा अपग्रेड करते हुए 1672 में बनाई थी। अब यह डिवाइस एडिशन भी कर सकती थी, सब्सट्रैक्शन भी कर सकती थी, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी करती थी। जबकि ब्लेज पास्कल जी की डिवाइस थी वो बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर जो निर्धारित थी, तो उसका जो लिमिटेशन दूर किया गॉटफ्रिड की इस स्टेप रेकनोर ने। इसके बाद आगे चलते हैं जैकवर्ड लूम। ये जैकवर्ड लूम जो है वो एक मैकेनिकल लूम था। किसे बनाया था इसने, जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने 1881 में। ध्यान रखना दोस्तों ये जितने भी सन हैं ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए ना कि कौन सी मशीन को किसने बनाया था और कौन से सन में बनाया था, और इसको एक सीरियल वाइज लिखना। जैसे मैंने इस सीट में बनाया है आपके सीरियल वाइज है, तो आपको सीरियल वाइज ही आपको उसको याद करने हैं। इट एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल बाई पंच्ड कार्ड्स, इसमें पंच्ड कार्ड्स का यूज हुआ था। देखो इस समय पंच्ड कार्ड्स जो पंच्ड कार्ड्स एक्चुअल में होता क्या है, पंच्ड कार्ड्स एक कपड़ा जो अपने कपड़ा तो नहीं मैं ये बोलूँगा कि मोटा कागज का गत्ता जैसे होता है ना, उस प्रकार से एक डिवाइस हुआ करती थी जिसके ऊपर कुछ छेद किए गए होते थे। उन छेद की अब्सेंस और प्रेजेंट से अपने किसी भी डेटा को पहचान सकते थे। तो ये पंच्ड कार्ड्स जो यूज होते थे वो होते थे एज ए इनपुट डिवाइस के रूप में, डेटा कंप्यूटर में डालने के लिए पंच्ड कार्ड्स का यूज होता था। तो आगे पंच्ड कार्ड किसने बनाया वो भी बताऊँगा आपको मैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें बनता है कि जैकेट लूम जो डिवाइस है उसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था, तो उसमें यूज होता था पंच्ड कार्ड्स। किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैकेट ने। कब बनाया था, 1881 के अंदर। फिर आगे चलते हैं एरिथोमीटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाई थॉमस डी कॉलमर। एरिथोमीटर बनाया था थॉमस डी कॉलमर ने 1820 में। 1820 18वीं सदी तक हम आ चुके हैं। ये वो कैलकुलेटर, वो एरिथोमीटर था, कैलकुलेटर था। फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ये क्वेश्चन मैं इसने साथ में इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन, यानी फर्स्ट कमर्शियली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी। अब देखो एक तो आता है कि कमर्शियली कंप्यूटर कौन सा था और एक आता है कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी, दोनों में फर्क है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर क्या होगा, एरिथोमीटर। द मशीन कुड परफॉर्म द फोर बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस, जो फोर बेसिक मैथमेटिक फंक्शन होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, वो चारों ये पूरा करती थी। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया गया था। बाकी तो क्या एज ए क्या है कि डेमो के रूप में एक डिवाइस या दो डिवाइस जनरेट हुई थी, लेकिन जो एरिथोमीटर था वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में इसको बेचा गया था और बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया था। 1800 के बाद में फिर सीधा चलते हैं हम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की तरफ। ये था चार्ल्स बेबेज, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये देखो नीचे मेंशन किया है मैंने, फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। अब इन्होंने दो डिवाइस बनाई थी, एक तो थी डिफरेंस इंजन, एक था ये एनालिटिकल इंजन। दोनों में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं था, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि जो डिफरेंस इंजन था वो बना था 1822 में और एनालिटिकल इंजन था वो 1834 में। तो क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस इंजन कौन से साल बना था, 1822 में, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। फिर क्वेश्चन बनता है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था, 1834 में। इस प्रकार से आप इसको याद करिए। अब ये जो मशीन थी वो क्या थी, ऑटोमेटिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट टेबल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एक्चुअल में जो चार्ल्स बेबेज थे उनका जो काम था वो इस प्रकार से काम था कि उनको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की बहुत सी टेबल्स को रोज क्या है सोल्व करना पड़ता था। तो वो का सारा काम वो ह्यूमन मेड होता था जिसमें एरर की गुंजाइश रहती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन जब पूरा बन गया उसके कुछ सालों बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। और जो एनालिटिकल इंजन है वो है आपका फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था, वो रियल में वो था एनालिटिकल इंजन। तो ये देखो क्वेश्चन इसमें से जो निकल रहे ना वो आप इनको चेक करते रहना साथ साथ में। फिर बात आती है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा, इस नाम से भी आते हैं लेडी एडा या फिर इस नाम से आता है अगेस्टा एडा। तो आप दोनों क्वेश्चन दोनों भी आंसर है तो आप ध्यान रखना, लेडी एडा नाम से भी आ सकता है आंसर में और ऑप्शन में अगेस्टा एडा नाम से भी आ सकता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि इन्होंने जो प्रोग्राम था वो एनालिटिकल इंजन में उनके लिए प्रोग्राम इन्होंने राइट किया था। अब कई जगह ये भी आता है कि इनको चार्ल्स बेबेज की डॉटर के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एक्चुअल में जो डॉटर थी वो थी पोएट लॉर्ड ब्रायन की। तो ये आप ध्यान रखना इस प्रकार से कि अपने को, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन इससे आपको याद रहेगा कि ये लेडी अगेस्टा वो कौन थी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
इसके बाद चलते हैं आगे, स्कर्जन की कैलकुलेशन इंजन, ये भी था इसका ईयर पूछ रहा था। और इसका दो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैंने इसलिए बताया कि इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर तो करता था साथ में उसको प्रिंट भी करता था जो आपका आउटपुट होता था इसको, तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। कब बना था? 1843 में। और बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने, ये वाला, उसी पे ये डिपेंडेंट था। तो बेसिकली ये क्या था? अपना पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर। तो ये देखो क्वेश्चन ध्यान रखना इस प्रकार से कि पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था, पहली जो अपने फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं थ्योरी में से उठे हैं, तो आपको इन्हीं को पूरा पढ़ना है, इन्हीं में से सारी हिस्ट्री आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। फिर बात आती है टेबुलेटिंग मशीन की, टेबुलेटिंग मशीन जो कि हरमन हॉलरिथ ने 1890 में इन्वेंट की थी, और इन्होंने इन्वेंट किया था पंच कार्ड्स को। देखो पंच कार्ड्स जो है सबसे ज़्यादा यूज इन्होंने ही किया था एज ए इनपुट के रूप में। तो पंच कार्ड्स इसके आगे लिखा हुआ है मैंने 1890, तो 1890 में इसको क्या किया गया था? ईजाद किया गया था। अब और इस मशीन को बोला जाता है दिस वॉज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, सबसे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी वो किस कौन सी थी? वो है टेबुलेटिंग मशीन, यानी हरमन हॉलरिथ ने इसको बनाया था। उसके बाद चलते हैं आगे होवर्ड मार्क वन, होवर्ड मार्क वन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था आईबीएम का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, जिसको बोला जाता है दूसरा नाम। तो ये देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि आईबीएम का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर किसका नाम है, तो वो है होवर्ड मार्क वन कंप्यूटर का। ये वो कंप्यूटर है, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, 1943 में इसको बनाया गया था। फिर द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये देखो जो अलग से लिखे हुए हैं उनको आप याद करना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क वन। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी? टेबुलेटिंग मशीन। तो इस प्रकार से कुछ एक इसमें चेंजेस होते हैं वर्ड में, वर्ड का ध्यान रखना। ये भी उनके हरमन हॉलरिथ के जो पंच कार्ड था उसी पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। इसकी आप लंबाई से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा था, 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचाई इसकी हुआ करती थी, तो इतने बड़े विशाल रूम के रूप में इसे यूज होता था ये होवर्ड मार्क वन। उसके बाद में अगली सीरीज आई जेड वन में ये बोलते हैं दिस इज वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप प्रोग्राम पहले से उसमें डाल सकते थे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ये था Z1। किसने बनाया था? कॉनराड जूज ने। कब बनाया था? 1936 से 1938। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो सन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कई जगह पे कुछ लिखा हुआ है कई जगह पे कुछ लिखा हुआ, तो मैंने कोशिश की आपसे कि मैं जितना आपसे प्रीसेस ऐसे सन आपके सामने पेश करूं जो मोस्ट रिलायबल हैं और सबसे ज़्यादा जगह यूज हुए हैं, तो वो उनमें से वही सन है जो आपको मैं यहाँ पर प्रिंट किया हुआ मैंने, जैसे 1936 से 1938, और जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब फिर आगे चलते हैं एबीसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अपना एटेंस ऑफ पेरी कंप्यूटर, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था, गौर से पढ़ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये एक्चुअल में एटेंस ऑफ जो इनके इन्वेंटेंट थे प्रोफेसर उनका नाम है, बैरी उनके जो असिस्टेंट थे स्टूडेंट थे उनके नाम से बना हुआ है ABC, और ये प्रोफेसर हो गए, ये उनका वो हो गया ABC कंप्यूटर। तो ये भी देखो 1939 से 1942 के बीच में ये बना था। तो बस इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, वो थी ABC। फिर बात करते हैं एनिक, मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस पे आते हैं? एनिक पे, क्योंकि एनिक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, जो इसका नाम है ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जनरल पर्पज कंप्यूटर था ये एनिक। फुल फॉर्म में आप देखो कहीं जगह आपको कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर दिखेगा, लेकिन मैंने भी कई जगह नोट किया है जैसे विकीपीडिया में आपको कंप्यूटर दिखेगा, लेकिन जो हाई लेवल्स कई बुक्स हैं जो प्रोफेशनल बुक्स हैं वहाँ पर ये कैलकुलेटर है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटर ही मेंशन किया है। कब हुआ था ये कंप्लीट? 1946 में ये बनकर तैयार हुआ था, और डेवलप किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन एस्कट एंड जॉन एम मोस्ली ने, एक्चुअल में ये मोस्ली है वाई, तो इसको डेवलप किया था जॉन पेस्पर ने और मोचली ने, तो इनका ये नाम पूछा जाता है कि इन्होंने किसको डेवलप किया था, वो डिवाइस कौन सी थी? एनिक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कहाँ बनी थी ये, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA के अंदर। ये तो मैंने साइज सिंपल ऐसे लिखा है कि इसका साइज आपको बता सकूं कि 20x40 स्क्वायर फुट रूम के अंदर ये लगता था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद में अगला कंप्यूटर था यूनिवेक, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो बाजार में बिका था। तो इसको याद रखना, पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक। किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एंड जॉन मोसले ने। ये पर्सनल कंप्यूटर यूनिवेक का था। ये भी इन्होंने बनाया था, ये भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद में एडवोक ना, ये था फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये सब ध्यान रखना, फर्स्ट जो भी लिखे हैं मैंने उसको, आपने उसको अच्छी तरह लिख लेना वापस से कि फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? एडवोक। वॉन न्यूमन वो थे जिन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हमें बताया था कि कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है, एक सीपीयू होता है, उसमें मेमोरी होती है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो स्ट्रक्चर था वो वॉन न्यूमन ने बताया था, तो उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया था 1952 में। इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। पहला कंप्यूटर था जिसमें डेटा भी स्टोर होता था, साथ में उसका प्रोग्राम भी स्टोर होता था। और इसी ने साथ में बाइनरी लैंग्वेज की जो इंट्रोड्यूस किया था वो कंप्यूटर में, वो किसने किया था? एडवेक ने। तो एडवेक कंप्यूटर था जिसमें फर्स्ट टाइम बाइनरी लैंग्वेज को यूज किया गया था। उसके बाद आती है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ऑप्शन वन द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। बस इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको ये जो फर्स्ट की, तो आपको इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर था, तो पोर्टेबल कंप्यूटर की बात आती है तो ऑप्शन वन 1981 में ऑप्शन कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी के बारे में पूछा जाता है, तो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, जो जे प्रेस्पर एंड जॉन मोसले ने सबसे पहले फाउंड की थी 1949 के अंदर। इसके अलावा एक कंप्यूटर और है एडसक, जो कि 1947 से 1949 के बीच में था। जो एडसक है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इन्वेंटेड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली ये सारे कंप्यूटर हैं जिनको आप देख सकते हो। इसके आगे कंप्यूटर जनरेशन से मैं इस वीडियो में इसको नहीं कराऊंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा। अदरवाइज ये जनरेशन के लिए पूरा मुझे एक वीडियो चाहिएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, इसको पढ़िए अच्छी तरह, समझिए कि हिस्ट्री क्या होती है। ये आप पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इसके बाद में इसकी जनरेशन का, कि कंप्यूटर में जनरेशन कैसी होती है, तो पांच जनरेशन कौन कौन सी होती है, हर जनरेशन के अंदर किस प्रकार से आप जनरेशन के अंदर यूज करते हैं। देखो इसमें सिंपल दे रखा है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वैक्यूम ट्यूब क्या हुआ करती थी और जो अपने ट्रांजिस्टर हुआ क्या हुआ करते थे, ये सब बताऊंगा आपको मैं। केवल इसमें पढ़ने से नहीं होगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसके बारे में। और उसके बाद में साथ ही इसको कंपेयर करेंगे सब जनरेशन के अंदर। ये इस प्रकार से सारी जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, ये सब जनरेशन के अंदर किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस हुए थे सब इसके अंदर है। तो इस सीट के अंदर सब कुछ है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ साथ में। अगर आपको लगता है कि आप जनरेशन है जो आप खुद देख सकते हो, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। अदरवाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में जनरेशन में आपको जब समझाऊंगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। अपने इस पूरी सारणी को एक एक करके समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम आई थी, क्या है। केवल इसमें याद नहीं करना, इसको समझना भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।